दोस्तों कैसे हैं आप सब। हमारी टीवी इंडस्ट्री भी बॉलीवुड की तरह काफी बड़ी इंडस्ट्री है, जहां रोज लाखों लोग आते हैं अपने आंखों में कई सपने लिए। वहीं जहां कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं तो कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं, और इन्हें इनकी इसी पॉपुलैरिटी के हिसाब से फीस दी जाती है, जहां सीनियर और जूनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में टीवी इंडस्ट्री में अलग अलग कैरेक्टर को मिलने वाली अलग अलग फी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल ग्रेजुएट यूट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सोनी चैनल के फेमस शो शार्क टैंक की, जिसमें कई सारे बड़े और फेमस बिजनेसमैन जजेस के तौर पर रहते हैं, और मार्केट में आने वाले नए नए एंटरप्रेन्योर इस शो में आते हैं और अपने प्लान्स और आइडियाज उन्हें बताते हैं, जिस पर अगर उन्हें डील अच्छी लगती है तो वो इनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट में शेयर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शार्क टैंक में आने वाले ये सारे जजेस कितनी फीस चार्ज करते हैं? आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा फी चार्ज करते हैं अश्नीर ग्रोवर, और उनके एक एपिसोड की फी 10 लाख रुपए हो जाती है। इसके बाद अगला नंबर आता है बोट कंपनी के मालिक अमन गुप्ता का, जो हर एपिसोड के लिए 9 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम नमिता थापर और गजल का है, जो कि एक एपिसोड के लिए 8 लाख रुपए फी चार्ज करती हैं। और इसके बाद अगला नंबर पीयूष बंसल का आता है और अनुपम मित्तल का आता है, जो एक एपिसोड के लिए 7 लाख रुपए फी चार्ज करते हैं। और इसी में अगर हम बात करें विनीता सिंह की, तो ये हर एपिसोड के लिए 5 लाख रुपए फीस लेती हैं। इसके बाद अगर हम सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल की बात करें, तो इस शो में एज अ जज के तौर पर काम करने वाली नेहा कक्कड़ को हर एपिसोड के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि वही हिमेश रेशमिया को इस शो में जज की भूमिका निभाने के लिए 4 लाख रुपए की फीस दी जाती है, और वहीं विशाल ददलानी को ये अमाउंट 4.5 लाख रुपए मिलता है, जबकि उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण को इस शो के होस्ट के तौर पर उन्हें हर एपिसोड के लिए 2.5 लाख रुपए की फी दी जाती है। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के फेमस रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे और बड़े चाव से देखते होंगे। इस शो के पहले सीजन में अमिताभ बच्चन ने कुल 25 लाख रुपए की फी चार्ज की थी, जबकि वहीं इस शो के 5th सीजन में इनकी फी को 1 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो सीजन 8 में बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए के आसपास हो गई, और ये अमाउंट सीजन 10 में बढ़कर 3 करोड़ हो गया। और अगर हम अभी रीसेंट की बात करें, यानी कि सीजन 14 की, तो उसमें ये अमाउंट 4 से 5 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। बट ये तो वो फी है जो इस सीरियल के होस्ट को दी जाती है, लेकिन कॉन्टेस्टेंट को मिलने वाली फी साल 2013 के सीजन में 7 करोड़ ही है। अब अगर वहीं हम बात करें कॉमेडी किंग के तौर पर आजकल हर घर में अपनी पहचान बनाने वाले कपिल शर्मा की, जिन्होंने कॉमेडी नाइट विद कपिल का अभी रिसेंट ही 3rd सीजन कंप्लीट किया है, तो इन्होंने इसमें कुल 80 एपिसोड के लिए 40 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी, जो लगभग हर एपिसोड के हिसाब से 50 लाख रुपए पड़ा। जी हाँ, जबकि ये फी इनकी सेकंड सीजन में 30 लाख रुपए के आसपास थी। वहीं अगर हम इसमें जज के तौर पर अर्चना पूरन सिंह की बात करें, तो वो भी इसमें हर एपिसोड के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चार्ज करती थी, जबकि इस शो में नौकर का रोल निभा रही चंदन को हर एक एपिसोड के लिए 7 लाख रुपए की फी दी जाती थी। दुनिया ने अंधा चश्मा नामक इस गुजराती बुक पर बनी कॉमेडी फैमिली ड्रामा सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के स्टार कास्ट की फी के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें दयाबेन और जेठालाल को एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपए की फी मिलती है। वहीं इस शो में जेठालाल के बाबूजी का रोल निभा रहे अमित भट्ट को एक एपिसोड के लिए 70 से 80 हजार रुपए की फी दी जाती है। वहीं अगर हम इस सीरियल के टाइटल कैरेक्टर यानी कि तारक मेहता की बात करें, तो ये एक एपिसोड के लिए 1 लाख रुपए की फी चार्ज करते थे, जबकि वहीं बबीता जी 35 से 48 हजार रुपए की फी चार्ज करती थी। तो दोस्तों आपको इन फेमस टीवी एक्टर के द्वारा किए गए सीरियल और उन सीरियल में उनको मिलने वाली फी के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी वाली वीडियो कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही कौन है आपका फेवरेट एक्टर कमेंट करके बताइए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल ग्रेजुएट यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर लें।